मेट्रो में अनाउंसमेंट करवा दे, योर कैप्टन इज स्पीकिंग, प्लीज डू वॉच फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेज वॉल्टी एंड मी ऑन यूट्यूब, इट्स माई पर्सनल चॉइस। अब निकलते हैं जी बाड़मेर की तरफ। 8869 ये कौन सी ट्रिप है? हाँ 886 किलोमीटर हो गए हैं, 5 ही डंडे रह गए। मैंने कहा जी तेल डलवा लेते हैं। और ये भैया टैंक कर दो फुल 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 जी फुल। पेट्रोल है? पेट्रोल है नॉर्मल। जीरो देख लीजिए। ये कौन सी जगह है? बेकरिया। और यहाँ से माउंट आबू कितनी दूर है? 90 ऊपर। और उदयपुर से कितना आ चुके हैं? उदयपुर से 70। लो जी उदयपुर से 70 किलोमीटर टुवर्ड्स माउंट आबू आ गए, और माउंट आबू से आगे बाड़मेर 5-5.5 घंटे तो लगेंगे। तेल यहीं से फुल करवा लेते हैं ताकि रास्ते में कहीं रुकने की जरूरत ना हो। आगे कोई अच्छा रेस्टोरेंट आएगा, कोई ढाबा अच्छा आएगा? टोल से आगे। टोल कितनी दूर है? 16 किलोमीटर। 9 बजे हैं सुबह के, तो बढ़िया सा अगर रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी करते हैं, थोड़ा सा लैपटॉप भी चार्ज करूँगा और एपिसोड भी फिर ऑन एयर करना है। लैपटॉप पूरा ड्रेन्ड है, गाड़ी में चार्ज करने की कोशिश की थी पर वो हुआ नहीं, और मैं पंगा लेना नहीं चाहता कहीं बैटरी का इशू ना हो जाए, इसलिए प्रॉपर पावर पॉइंट पे रेस्टोरेंट में रुक के खाना खा के चार्ज करते हैं जी। लो जी कट लग गया। कितने पे लगा कट? 25 लीटर का लेना। ठीक है मिलते हैं जी वहां पे। वॉल्टी क्यों नाराज है यार? अब चल तो रहे हैं यार, ऐसे मत कर, जो पहला आएगा वहीं रोक दूंगा, लेकिन बिना मतलब से रोकने का फायदा नहीं है ना। और अभी 4 बार तूने पीछे रुकवाया ना, नाराजगी देख लो। सुबह 8 बजे से ना गाड़ी चला रहा था, 8-8:30 बजे से। खाना भी खाया नहीं था, सिर्फ मैंने चाय पी थी और वॉल्टी ने बिस्किट भी नहीं खाया। पानी दिया था, थोड़ा सा पानी पिया था, और काफ़ी रेस्टलेस था सुबह से। तो वैसे 3-4 बारी मैंने रास्ते में रुकाया भी सुसुपोटी की इसने, पर ना रेस्टलेस था और कोई बढ़िया जगह नहीं मिल रही थी रुकने के लिए कि जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि ट्रैवल में आई डोंट वांट टू ओपन ऑल द किचन, खुद नहीं बनाना चाहता मैं ट्रैवल में, फिर उसको समेटो फिर लेके जाओ, तो जहाँ कैंप करूँगा वहाँ पे वो सब करूँगा। तो मैं अच्छा सा होटल ढूंढ रहा था या रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था जहाँ पे आई कैन सिट इन पीस, एपिसोड मेरा रेडी है, उसको भी मैं अपलोड कर सकूँ, ये सब चीज़ें देख रहा था, ले कुछ नहीं मिल रहा था। फिर रास्ते में जगह आई सिरोही, 10-10:30 बजे के आसपास, ढाबों से पता किया खाने के लिए। अब यहाँ अजीब ही चक्कर है जी, 12 बजे से पहले कुछ खाने को ही नहीं मिलता, और 3-4 ढाबों पे जब रुका तो वॉल्टी और ज़्यादा रेस्टलेस हो गया। उसके बाद सिरोही क्रॉस करने के बाद चलता रहा एक जगह आई जो मैंने रुका तो ढाबा देख के था, गाड़ियाँ लगी हैं बीच में मेरी गाड़ी है, पर पता चला कि उसके साथ ये पार्क भी नहीं गया, तो जी चारों तरफ से बंद है। तो वॉल्टी को कूदने फूदने के लिए बढ़िया जगह मिल गई, ये मैंने अपना सेटअप लगा लिया, थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करूँगा और एपिसोड अपलोड करके जो आप अभी देखोगे थोड़ी देर में, मज़ेदार। ये जी अपना सेटअप।
थोड़ा दूर फेंको ना, नहीं काटेगा नहीं, काटेगा काटेगा, अगर उसके मुंह में हाथ आ भी गया तो वो काटेगा नहीं, उसको पता पत्थर का और हाथ का फर्क। मैं आपको अच्छे लगते हैं डॉग्स है आपके पास नहीं। है नहीं मेरी पूरी सोसाइटी में ना वॉल्टी का खौफ है, सब डरते हैं वॉल्टी से, मुझे पता नहीं क्यों डरते हैं। हाँ ये जब बंदा होता है तो थोड़ा भौंकता ज़्यादा है, पर यू कैन सी बिल्कुल भी फिरोशियस नहीं है। रिक्वेस्ट टू ऑल माय सोसाइटी मेट्स, वॉल्ट इज़ नॉट एट ऑल फिरोशियस। बाहर हमारे जो स्ट्रेज हैं सोसाइटी से, ब्राउनी और वाइटी, वो भी इसके दोस्त हैं, तो हाँ डरावना लगता है लेकिन डरावना है नहीं। गुड बॉय। मधुमक्खी मार दी यार वॉल्टी ने, मारी तो नहीं अदमरी कर दी, और लड़ी भी है ना तेरे, लड़ी है ना तेरे, देख देख फिर किसने खानी, कहाँ लड़ी है, कहाँ लड़ी है, लड़ी है ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, आज तेरी फोटो नहीं खींचेंगे। अभी एक मधुमक्खी मार के हटा और वो लड़ गई इसको, पता नहीं क्या कर रहे हैं, एडवेंचर पे है लड़का अपना, शौकरों का ना आज। अरे यार बाल, मैं एक शीशा लगा ही लेता हूँ, हमें चोमू बनना पसंद नहीं और हम चोमू हैं भी नहीं, और अब तो ऐसी सड़कें देख के राजस्थान में चोमू जिले में भी नहीं जाएंगे। हाँ जी, तो सड़कें हैं बाड़मेर की सड़क, बाड़मेर तक की सड़क, वाहियात, वो जो ढाबे पे रुके थे जहाँ खाना ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद से ही सड़कें, मतलब 12 बजे से मैं ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ, 2.5 घंटे हो गए हैं और अभी और 2 घंटे 48 मिनट दिखा रहा है बाड़मेर तक का रास्ता, और अभी तक के टोटल किलोमीटर जब से चले हैं मुड़गांव से वो हो गए हैं 1012। 23 डिग्री टेम्परेचर है, गंदी सड़कें आज ना, आज मजा बिल्कुल नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में। टैगिंग विनय सोम एंड मंशु शर्मा, मजे 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 ना आज नहीं हो रहा, मजे 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 ना आज नहीं हो रहा आज तो, वाहियात वाहियात वाहियात। सोम एक रैप लिख भाई गंदी सड़कों पे और टैग करेंगे गहलोत जी को। जी बाड़मेर यहाँ से रह गया 50-60 किलोमीटर दूर, भूख लगी थी और दूध भी ख़त्म हो गया था, तो दूध लेने के लिए मैं रुका गुरुदेव मिष्ठान भंडार, और ऐसा रुका कि फिर प्याज की कचौरी भी खाई और जलेबी भी पैक करवाई, और ये जी ओनर। आप अपना वीडियो वीडियो जो भी शूट करना यूट्यूब का, नाइट कैंप कर सकते हैं, आपके लिए सेफ जगह है, अच्छी जगह है, आप अपने वाल्टी के साथ राजस्थान का विजिट कीजिए और एंजॉय कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा अच्छा, ये खास जगह कौन सी है? ये खास जगह है सिंदरी, तो जी बाड़मेर जाते, नाम सिंदरी, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, बाड़मेर जाते हुए अगर सिंदरी से गुजरो तो इस वाली शॉप पे प्याज कचौरी जरूर खा के जाना, एक नंबर प्याज कचौरी और जलेबी। चलो जी फिर मिलते हैं बाड़मेर। जो मैं खाता हूँ अगर वो डॉग के डाइजेशन के लिए ठीक है, इसको जरूर देता हूँ। जरूरी है जी, बच्चा तो फिर
बच्चे की तरह जिद भी करेगा, बाल देख लो मेरे। सारा दिन स्कूल में पीरियड लगाने के बाद, 9 पीरियड होते हैं 8 पीरियड होते हैं 8 पीरियड में से 4 पीरियड में बाहर खड़े होने के बाद शाम को ना स्कूल से निकल के ऐसी शक्ल होती थी इन बालों के साथ, हाथों पे भी चाशनी लग गई। सॉरी, टेस्टी है। अच्छा एक बात सुनना मेरी, मैं सीरियसली एक सीरियस नोट पे बात बोल रहा हूँ। एक बारी ना मेट्रो में अनाउंसमेंट करवा दे, क्योंकि देख भाई तू काम तो करता ही है, एक बारी ऐसे बोल दे, योर कैप्टन इज स्पीकिंग, प्लीज डू वॉच फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस वॉल्टी एंड मी ऑन यूट्यूब, इट्स माय पर्सनल चॉइस। इतना बोल दे भाई, इतना बोल दे, तू टेंशन ना ले। ये था जी मेरा एनसीसी का, एनसीसी वाले अपने जो बैचमेट्स थे, ये हमारा सीनियर अंडर ऑफिसर होता था। मतलब ऐसे होता है कि पूरी यूनिट, जैसे तीन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो तीनों साल के जितने बच्चे हैं एनसीसी में, जो वेडनेसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे को होती थी, तो उनका एक टॉप मोस्ट अथॉरिटी अपॉइंट कर देते थे उन्हीं में से, जिसको सीनियर अंडर ऑफिसर बोलते हैं, एससीओ बोलते थे। तो जब हम थर्ड ईयर में गए, मतलब हम सीनियर बने, तो हमारा एससीओ था ये अपना हीरो, और अभी नाउडेज इज वर्किंग विद मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। इसको मैं बहुत छेड़ता हूँ, अनाउंसमेंट करवा दे, किसी दिन करवा भी देगा ये ऑपोजिट सन है।